सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको Realme 7i के सारे ऑफिशियल स्पेक्स बताने वाला हूं। ये स्मार्टफोन दोस्तों अभी जल्द से जल्द इंडोनेशिया में लॉन्च हो जाएगा और दोस्तों उसके सारे ऑफिशियल स्पेक्स बाहर आ चुकी हैं। क्या प्राइसिंग होगी दोस्तों और कब इंडिया में लॉन्च होगा मैं सब बताऊंगा। तो आओ यार बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, कल मैंने दोस्तों पोको X3 के ऊपर एक वीडियो बनाया है, ऊपर दोस्तों आई बटन पे दे रहा हूँ, जाके क्लिक करके देख लेना और आई बटन के सारे वीडियोस को जरूर से चेकआउट करना। बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर पसंद आएगा। तो यार चलो मैं आपको जल्दी से स्पेक्स बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का HD+ रेजोल्यूशन वाला IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको दोस्तों 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 270 की PPI होगी। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले कुछ खास नहीं होने वाला है यहाँ पर। दोस्तों आपको रेजोल्यूशन भी दोस्तों अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है और दोस्तों यहाँ पर जो PPI वो भी कम है, तो क्लियरिटी कम रहेगा। लेकिन दोस्तों 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है तो स्मूथनेस आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो कई माइनस पॉइंट्स हैं तो कई प्लस पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो दोस्तों प्राइमरी कैमरा रहेगा 64 मेगापिक्सल का रहेगा, सेकेंडरी रहेगा 8 मेगापिक्सल का और बाकी जो दो कैमरास हैं 2+2 मेगापिक्सल के रहेंगे, ठीक है। 16 मेगापिक्सल का आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिससे आप सेल्फी ले सकेंगे और वैसे ही दोस्तों स्क्रीन देखने को मिलेगा जैसा आपको Realme 7 की तरह दोस्तों दिखता है। इनफैक्ट दोस्तों जो डिजाइन है वो भी दोस्तों Realme 7 की तरह ही है, बस दोस्तों जो रियर में जो फिंगरप्रिंट है वो माउंटेड रहेगा। यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको रियर में माउंटेड होता हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों थोड़े जो डिजाइन है कैमरा मॉड्यूल का वो दोस्तों Realme 7 से काफी मिलता जुलता है, लेकिन दोस्तों उससे थोड़ा अलग है, वो थोड़ा लंबा था ये थोड़ा चौड़ा है। आपको ऐसा कैमरा मॉड्यूल आपको सैमसंग के M सीरीज में देखने को मिल जाएगा। तो यार अगर हम लोग बात कर ले परफॉर्मेंस के बारे में यानी कि प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 662 देखने को मिलेगा जो 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और एड्रीनो का 610 वाला GPU देखने को मिलेगा। अगर मीडियाटेक के भाषा में बोलूं तो ये आपको हीलियो G70 या G80 के बीच का आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा, ठीक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो Realme 6i है उससे दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ डाउनग्रेड्स हुए हैं। Realme 6i में आपको हर मामले में इससे आगे देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिल जा रहा है। Realme 6i में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता था। तो यार देखो यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन का 662 है ना, यहाँ पर दोस्तों आपको यकीनन इतने अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर सकेगा जो आपको Realme 6i में G90T कर देता है। अब दोस्तों जो G90T है वो दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन के 730 या 730G को टक्कर देता हुआ दिखाई देगा। 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, लेकिन आपको बहुत अच्छा गेमिंग भी करवा देता है और बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कर देता है। लेकिन वो प्रोसेसर थोड़ा सा हीट करता है, लेकिन वो जब आप गेम खेलेंगे या फिर दोस्तों जब बहुत ज़्यादा शूटिंग कर लेंगे कैमरा से तब वो हीट होता है, लेकिन दोस्तों वो परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा प्रोसेसर है। तो अब देखो यार यहाँ पर जो आपको Realme 7i में स्नैपड्रैगन का 662 देखने को मिल रहा है और Realme 6i में आपको G90T देखने को मिल रहा है, तो दोनों में कंपैरिजन नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर Realme 6i जीत जाएगा और यहाँ पर Realme 7i यहाँ पर हार जाएगा परफॉर्मेंस वाइज। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स भी देखने को मिल रहा है कि आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जा रहा है, तो एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है कि यार हाँ मैं एक लाइटर वर्जन ले रहा हूँ कोई वर्जन का, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल जा रहा है और दोस्तों यहाँ पर अच्छी बैटरी 5000 mAh की बैटरी और 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी बैटरी भी मिल जा रही है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए सब बंदे यहाँ पर बाई कर लेंगे Realme 7i को। लेकिन अगर किसी को परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी गेमिंग चाहिए, तो दोस्तों वो डेफिनेटली Realme 6i की तरफ जाएगा क्योंकि G90T देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर इस किसी बंदे को एक अच्छा फ़ोन चाहिए जिसमें अच्छा ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा हो, बहुत अच्छी बैटरी हो और दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस उसको ठीक ठाक वाली चाहिए, तो 662 से वो काम चला लेगा, तो उसके लिए इनफ है। लेकिन दोस्तों Realme 6i वाला वही बंदा लेगा जो G90T के चक्कर में। तो यार चलो अब हम लोग बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ सब कुछ निर्भर करता है प्राइसिंग, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी 11 से 15,000 के रेंज में ये जो रेंज है ना, इसमें यार बहुत सारे स्मार्टफोन बैठे हुए हैं जो आपको एक से बढ़ के एक स्पेक्स और फीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको 11,999 से लेके 12,999 के आसपास लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। मैं जो प्राइसिंग बताता हूँ ज़्यादातर वो सच हो जाता है, उसी के आसपास लॉन्च हो जाता है। तो दोस्तों ये 12,000 या 12,000 तक भी दोस्तों लॉन्च हुआ तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन रहेगा,
क्योंकि अगर 13,000 तक भाग गया तो पोको M2 Pro है, उसको जाके ले सकते हैं। पोको M2 Pro में आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा, भले ही 48 मेगापिक्सल का कैमरा है लेकिन ग्लास बैक मिल जाएगा, अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा कॉम्पिटिशन चल रहा है, यहाँ पर दोस्तों ये स्मार्टफोन को सही प्राइसिंग में लॉन्च होना पड़ेगा। आप देखो एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, तो यार देखो अगर ये जो स्मार्टफोन है ना 11,000 से 12,000 के रेंज में लॉन्च भी हो जाता है तो अभी थोड़े दिनों बाद मे बी दोस्तों नेक्स्ट मंथ आपको दोस्तों यहाँ पर Realme का Narzo 20 सीरीज लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। एक Narzo 20 होगा, एक Narzo 20 Pro होगा, जो दोस्तों यही 13,000 से 15,000-16,000 की रेंज में लॉन्च होंगे। डेफिनेटली वो भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अभी जो Realme काम कर रहा है बहुत गलत काम कर रहा है। Redmi तो थोड़ा शांत बैठा है, ठीक है, लेकिन Realme अच्छा काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहले तो थोड़ा टाइम लगता था, एक एक महीने का गैप रहता था स्मार्टफोन्स में, तो एक एक हफ्ते में एक नया स्मार्टफोन आ जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पब्लिक तो यार यहाँ पर जो आम कंज्यूमर है उसको तो दोस्तों इतना नहीं पता है कि मेरे को कौन सा स्मार्टफोन लेना कौन सा नहीं लेना। वो जाएगा अपन दुकान वाले बोलेंगे भैया जी ये सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है, वो निकाल के दे देगा और जो आम कंज्यूमर है लेके चला जाएगा। उसको थोड़ी ना पता कि G90T इसमें मिल रहा है, 662 उसमें मिल रहा है, 720G उसमें मिल रहा है, 730G इसमें मिल रहा है। वो तो दोस्तों सोचेगा जो मेरे को अच्छा दिख रहा है मैं वही लूंगा, ठीक है। तो यार बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, चैनल पे अगर नहीं आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टैक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं और शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज भी देता हूं, तो 7:30 बजे टेक न्यूज जरूर से देखा करो और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो। मैं मिलता हूं सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, चलिए बाय। Starting over. Stop giving up.